रुख दिल्ली का, उत्तम नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा चल रही है। नहीं पिलाएंगे, आरओ का पानी तो नहीं पिलाए, यमुना जी के जल को और जहरीला बना दिए और उस जहरीले पानी को दिल्ली की जनता को पिला करके अपनी तरह ही खांसने के लिए मजबूर कर दिए। भाइयों बहनों, दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कभी देश के लिए एक आदर्श माना जाता था। डीटीसी की बसें बहुत अच्छी सेवा थी। डीटीसी की बसों का नंबर लोग नोट करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। आज से 5 वर्ष पहले जितनी डीटीसी की बसें थी, अरविंद केजरीवाल ने एक भी नई बस नहीं जोड़ी और जो बसें थी वे भी आज आधी रह गई हैं। यानी अरविंद केजरीवाल का दोबारा आने का मतलब डीटीसी बंद हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मेट्रो की शुरुआत की। मोदी जी मेट्रो का विस्तार करके फेज 4 के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल धरने में बैठ गए। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार 12 लेन की 12 लेन की एक्सप्रेसवे बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दी, दिल्ली ने सहमति नहीं दी, कार्य अटक गया। बाद में भारत सरकार को पैसा देना पड़ा और फिर वे कार्य अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिल्ली के अंदर 66,000 ट्रक प्रतिदिन आते थे। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये मोदी जी ने बनवाया दिल्ली को जाम से बचाने के लिए। रैपिड रेल बनाया जा रहा था लेकिन अरविंद केजरीवाल बाधा बन गए। भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति दिल्ली की जनता के साथ में नहीं है, उनकी सहानुभूति किसके साथ? याद करिए, इसी दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है जेएनयू, और जेएनयू में नारे लगे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं। अफजल कौन था? या देश की संसद पर हमला करने वाला उसका सबसे बड़ा गुनाहगार था। और जब इसको फांसी की सजा होती है तो उस फांसी की सजा का विरोध करने वाले लोगों के प्रति जो सहानुभूति, जिस देश के दुश्मन के प्रति सहानुभूति पक्ष रखने वाले लोग, जो लोग भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं कि भारत टेढ़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति उनके साथ में है। अरविंद केजरीवाल जी, अफजल की फांसी पर शर्मिंदा होने वाले लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति होती है, लेकिन आपकी सहानुभूति दिल्ली की जनता के प्रति नहीं होती है। जिन लोगों को अच्छी सड़क चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के आयुष्मान भारत की सुविधा चाहिए, लेकिन आपने सब कुछ यहां नहीं आने दिया। आप शर्मिंदा तब नहीं होते हैं भाइयों बहनों, ये आम आदमी पार्टी के लोग तब शर्मिंदा नहीं होते हैं जब देश की जनता, देश की राष्ट्रीय राजधानी की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती है, अच्छी सड़क के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए, तब इन्हें शर्मिंदा महसूस नहीं होती है। इन्हें शर्मिंदा तब महसूस होती है जब देश के लोकतंत्र का एक कातिल फांसी पर लटकता है, तब इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा, अभी मैं आ रहा था यहां आने, मुझे लेट हुआ है क्योंकि सड़क, पता ही नहीं था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इतना ओबड़ खाबड़ पैसा। मैंने पूछा एक दो लोगों से, मैंने कभी ये दिल्ली की सड़क है, तो पता लगा कि आम आदमी पार्टी के लोग ठेके पट्टे के चक्कर में सड़क बनने ही नहीं देते।
इनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप हैं और अरविंद केजरीवाल हैं कि हर विकास के मुद्दे को लेकर के धरने पर बैठ जाते हैं। अब तो नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी, याद करिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था एक धारा 370 देश के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। कांग्रेस नहीं हटा पाई, कम्युनिस्ट नहीं हटा पाए, सोशलिस्ट नहीं हटा पाए, ये हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई, धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन उस समय दो लोगों की बोली पाकिस्तान के साथ मिलती थी, एक कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और एक आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये दोनों के स्वर उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जुड़ते थे। अब मेरी समझ में आया कि लोग पाकिस्तान के समर्थन में क्यों कह रहे थे। आपने याद किया होगा अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के एक मंत्री का वक्तव्य आया था कि दिल्ली के अंदर मोदी जी नहीं जीतने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली वासियों से, आप कौन सा काम करेंगे जिससे देश में खुशहाली आए वह काम करेंगे या जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी? आप देश की खुशहाली के लिए कार्य करेंगे ना? इधर वालों से पूछता हूं, आपसे, इधर वालों से, आप कौन सा काम करेंगे जिससे देश में खुशहाली होगी? आपकी प्रसन्नता किसमें? जब देश में प्रसन्नता होगी इसी में तो आप सबकी प्रसन्नता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कब प्रसन्न होते हैं? जब पाकिस्तान प्रसन्न होता है। क्या आपकी सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ होनी चाहिए क्या? जोर से हाथ उठा के बोलो, क्या अरविंद केजरीवाल आपके हितैषी हो सकते हैं क्या? शाहीन बाग का धरना किस बात को है? आज सुबह एक सज्जन ने मुझसे मिलने का समय मांगा। मैंने कहा भैया 9:30 बजे तक आ जाना क्योंकि 10 बजे मुझे सभाओं में जाना है। वे पहुंचे 11 बजे। मैंने पूछा भाई 1.5 घंटे लेट में आप आ रहे हैं, मेरे पास समय नहीं, सभाओं के लिए देर हो रही है मुझे। तो उसने कहा साहब मैं निकला था सुबह 7:30 बजे, मुझे 9 बजे तक पहुंचना था, लेकिन क्या करें पूरा दिल्ली जाम है। मैंने कहा क्यों? कहा शाहीन बाग का जो धरना चल रहा है